दोस्तों आज फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रेम लगाने फिटिंग करने का सही तरीका सिखाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपकी पुल समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सिखाते हैं यहाँ पे प्रेम, डोर प्रेम, गेट प्रेम कैसे फिटिंग करते हैं और सही तरीका आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को अभी एक लाइक कर दो। वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत दिखाओ भाई, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आप प्रेम लगाओगे तो उसके लिए वाटर लेवल आपको सही तरीके से कर लेना है। वाटर लेवल करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग करना है। केमिकल से ही आप इसको फिटिंग करें बढ़िया, मतलब ऊपर से पहले साहुल डाल के आपको दीवार को देख लेना है। जो दीवार आपका जो फ्रेम लगा रहे हो वह टेढ़ा तो नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दीवार को चेक कर लिया था, उसके बाद में यहाँ पे फ्रेम लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस दरवाजे पे इस फ्रेम लगाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है, जब जाके हमारी यह फ्रेम सही कम्प्लीट हो पाती है, यानी कि फिटिंग कर पाते। तो यहाँ पर हमने ऊपर का सबसे पहले फिटिंग किया है। ऊपर का फिटिंग करने के लिए मतलब हमने इसमें ब्रंजी टोक रखा है, ब्रंजी के ऊपर इसको मतलब फिटिंग किया है। तो इसको हम अभी बबल लेवल से वाटर लेवल में सही कर लिया है, आप भी इसी तरीके से फिटिंग करना। तो यहाँ पे हम अब इसकी दूसरी वाली जो पट्टी है वह फिटिंग करेंगे। इसको कटिंग करना सीखना चाहते हो तो भाई आप कमेंट जरूर करना, आपको हम सही तरीके से कटिंग करना, फिटिंग कैसे करते हैं कटिंग करके वह सिखा देंगे। तो आपको सबसे पहले केमिकल जो आप लगाओगे तो अच्छी तरीके से लगा लेना है, जिससे कि हमारे कहीं पे भी जो फ्रेम लगाने वाले हैं तो वह खाली ना रहे। उस फ्रेम पे अच्छी तरीके से केमिकल लगाने के बाद ही आपको लगाना है। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से केमिकल लगाने के बाद में और बढ़िया साहुल में और एकदम अच्छी तरीके से दोनों तरफ हम साहुल करेंगे, एक कोर पे और एक सामने फ्रंट पे। उसके बाद इसको हम सही तरीके से फिटिंग करेंगे, जितना हमारा जो दीवार टेढ़ी है उसके हिसाब से इस पर माल भरेंगे आप, उसी हिसाब से यहाँ पे लगाना। तो यहाँ पे हम इसको भी इसी तरीके से फिटिंग कर रहे हैं, केमिकल लगा के बढ़िया अच्छी तरीके से इसका कटिंग करके। और आप भी सीखना चाहते हो भाई तो आप मुझे कमेंट कर जरूर करना, मैं आपको अच्छी तरीके से सिखा दूँगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा भाई, सभी वीडियो को आप अधूरी देखते हो, कहीं पे भी स्किप कर करके देखते हो तो आपकी समझ में कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम फिटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम साबुन डाल के फिटिंग कर रहे हैं। जिधर में भी हमारा हीरा टेढ़ा होगा उसके हिसाब से उसको ठोक देंगे हथौड़ी की सहायता से, और इसी प्रकार आपको ठोकना है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरीके से फिटिंग कर रहे हैं और इसको फिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है भाई, इस तरीके का फ्रेम लगाने में। तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग करने के बाद इस पर क्या करेंगे, आपको फेविकिक साथ में रखना है, फेविकिक जॉइंट पे लगा के और आपको टाइल्स का टुकड़ा वहाँ पे लगा देना है। आगे वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम पहले इसको साउल में कर लेंगे, साउल में कर लेने के बाद इसको एक हेल्पर की सहायता से नीचे से पकड़वा के रखेंगे, जिससे कि हमारा जो फ्रेम फिटिंग कर रहे हैं वो नीचे की ओर नहीं खिसके। उसके बाद इसको हम सही तरीके से चेक करने के बाद साउल में और बिल्कुल साउल में करने के बाद इसको हम जॉइंट पे फेविकिक डाल देंगे। फेविकिक डालने के बाद इसके जॉइंट पे दोनों जॉइंटों पे हम एक टाइल्स का टुकड़ा यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे टाइल्स का टुकड़ा आपको फेविकिक से ही लगाना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स के टुकड़े पे फेविकिक लगा लिया, उसके बाद उससे प्रेम पे ग्रेनाइट प्रेम पे फेविकिक लगा लिया, उसके बाद हम एक टाइल्स का टुकड़ा यहाँ पे चिपका देंगे, जिससे कि हमारी जो प्रेम है तो ऊपर नीचे इधर उधर एडी टेढ़ी नहीं होगी और वहाँ की वहाँ रुक के रह जाएगी। और इसके बाद हम नीचे वाली प्रेम सेट करेंगे। नीचे वाली प्रेम सेट करने के बाद हम कड़ी वाली प्रेम सेट करेंगे। तो भाई पूरा नॉलेज आपको मैं सिखाता हूँ, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट नहीं करोगे तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कि आपको हमने क्या नहीं सिखाया क्या सिखाया। हम
अपने हिसाब से आपको सिखाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से सीख सको और आप भी अच्छे से पैसा कमा सको। तो भाई बहुत आसान है सब कुछ काम करना, आप बस कमेंट करना, मैं आपको फुल डिटेल से कंप्लीट सिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखो हम इसको फिटिंग कर दिया हूँ, अब इसके बाद हम नीचे वाली फ्रेम को फिटिंग करेंगे। जो हम नीचे वाली फ्रेम लगा रहे हैं इसको फिट करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब साहुल में और बिल्कुल गुनिया में और बाटल लेवल में ही फिटिंग करना है, नहीं तो आपका बहुत मतलब थोड़ा सा भी एड़ा टेढ़ा हुआ तो वो दिखेगा भाई। तो यहाँ पे हम इसको साहुल में और गुनिया में और बाटल लेवल में ही फिटिंग किया हूँ। इसके बाद हम इसमें ऊपर से साहुल डाल के देखेंगे कि हमारा सही आया या नहीं। तो इसको हम साहुल में ही फिटिंग करना है भाई, आपको इस तरीके का अगर फ्रेम लगा रहे हो तो आपको साहुल का ध्यान हमेशा रखना है, आपको नीचे से नहीं ऊपर से लगाते हुए चलना है, तो आपका बहुत जल्द फिटिंग होगा ना कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम आपको सही और असली तरीका सिखा रहे हैं ताकि आप भी इस तरीके से फिटिंग कर सकें। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर से साहुल में कर लिया है, ऊपर से साहुल में करने के बाद अभी हमारा सही फिटिंग हुआ है। और हम अगर नीचे की साइड से लगाते हुए चलते तो हमारा टेढ़ा दीवार होगा, तो आप टेढ़ी दीवार पे अगर फ्रेम लगाओगे तो नीचे से अगर लगाते हुए चलोगे ऊपर जाके मान लो ज़्यादा माल भराव होगा तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको बहुत परेशानी आने वाली है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिखाया तो कि ऊपर से आप इस तरीके का फ्रेम लगाने वाले हो तो ऊपर से ही फिटिंग करें। यहाँ पे दूसरी वाली जो हम लगाएंगे तो उसमें हम साहुल ऊपर से ही डाल के देखेंगे ताकि हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे फिटिंग हो सके और बढ़िया लुक इसका दिखाई दे। तो अच्छी फिटिंग के लिए भाई आप वीडियो हमेशा के लिए देखते रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड मिस्त्री भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि उनको भी अच्छे से फिटिंग करना सीखना आए और वो भी इस तरीके का फिटिंग कर सके। तो यहाँ पे हमने इसको फिटिंग करने के बाद इसमें हम साउल डाल के चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा एड़ा टेढ़ा तो नहीं है। उसके बाद हम एक बार इसमें ऊपर से साउल आपको डाल देना है, ऊपर जो फ्रेम सबसे पहले आपने लगाया उस फ्रेम से आपको साउल एक बार ज़रूर चेक करना है ताकि आपका फ्रेम अच्छी तरीके से फिटिंग हो सके। तो यहाँ पे हमने इस फ्रेम को फिटिंग इस तरीके से कर दिया है। तो दोस्तों
आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, ना ही आप कमेंट करते हो कि आपको सीखना क्या है, कैसा लगा हमारा वीडियो, क्या आप हमारी वीडियो से कुछ सीखते हो या नहीं, या हम आपको कहीं गलत तो नहीं सिखा रहे हैं। ये तो भाई आप लोग हमें कमेंट करोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियो से आपको अच्छी जानकारी सीखने को मिल रही है। और हमें अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ अभी कमेंट करो कि आपको हमारा फिटिंग करने का तरीका सीखने को मिला या नहीं। तो यहाँ पे भाई अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और आप इस तरीके का फिटिंग कर सकते हो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सिखाया हूँ। आपको कटिंग करना नहीं जानते हो तो भाई कमेंट करना, मैं आपको कटिंग करना सिखा दूँगा। यहाँ पे इसमें अनेक तरह के डिज़ाइन बनते हैं, तो कौन सा डिज़ाइन आपको सीखना है तो आप कमेंट ज़रूर करना, यहाँ पे मैं आपको सही तरीके से बता दूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।